जय हिंद एवरी वन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 55 जो होगा उसमें आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग कैरी करोगे। ऑल डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर एसएसवी इंटरव्यू, तो कम्प्लीट इंटरव्यू में जो जो डॉक्यूमेंट लेके जाना रहता है उन सभी को मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ध्यान रखना है, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 55 से रिलेटेड अभी कॉल अप लेटर नहीं आया है। जब कॉल अप लेटर आता है उसमें एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट मेंशन रहता है और हर बार के कॉल अप लेटर में एक से दो डॉक्यूमेंट जो अपडेटेड होते हैं या फिर जो पुराना डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें से एक दो डॉक्यूमेंट को रिमूव कर दिया जाता है। इसी बेसिस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो जाता है आप लोगों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन। गेट अ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन विच यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर SSB। गेट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वेबसाइट। सपोज आप लोग इंडियन आर्मी वाले हो, अभी जो एनसीसी 55 का बात कर रहे हैं वो इंडियन आर्मी के थ्रू ही डाले थे, तो उसके वेबसाइट में हम लोग जाके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जिसको हम लोग एडमिट कार्ड बोलते हैं या एनसीसी एप्लीकेशन डिटेल बोलते हैं वही चीज़ डाउनलोड कर ले रहे हैं आप लोगों को। कैसे डाउनलोड करना है ये वीडियो मैं बना चुका हूँ। उसके बाद अगर आप लोग नेवी से हो या एयरफोर्स से हो तो आप लोगों को एप्लीकेशन का ऑनलाइन फॉर्म जो भरे रहते हैं उसका प्रिंट लेके जाना रहता है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो जाता है। कैसे डाउनलोड करना है ये मैंने वीडियो में बता दिया है। चीज़ दिखाना चाहूँगा ये है जो एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग डाउनलोड करने के लिए बोला गया है वो यही है। ध्यान रखना कुछ इस प्रकार का आप लोगों के पास एक वो आया होगा प्रिंट जिसको आप लोगों को डाउनलोड करना रहता है। ये कब प्रिंट होता है, तो जैसे ही सब जो लास्ट डेट होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट होता है उसके आधा घंटा बाद ये सर्टिफिकेट जनरेट होता है जिसमें आप लोगों को आपका रोल नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं तो कॉल लेटर, जैसे ही आप लोग फॉर्म भरते हो कुछ दिन बीतता है उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। शॉर्ट लिस्ट जैसे ही करते हो उसके बाद आप लोगों को एक कॉल अप लेटर दिया जाता है। ये भी मैं बताऊँगा कि कैसे डाउनलोड करना है। फिलहाल आप लोगों को ये समझ के रखना है कि दूसरा डॉक्यूमेंट आप होता है आप लोगों का कॉल लेटर। गेट अ प्रिंट ऑफ द कॉल लेटर PDF फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो या जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उसमें भी आप लोगों को कॉल अप लेटर सेंड किया जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो 10th क्लास मार्कशीट ओरिजिनल, कैरी द ओरिजिनल एंड टू फोटोकॉपीज़। आप लोग अपना ओरिजिनल लेके जाओगे साथ ही साथ दो फोटोकॉपीज़ भी लेकर जाओगे। उसी प्रकार से 12th क्लास मार्कशीट ओरिजिनल, आप लोग कैरी द ओरिजिनल एंड टू फोटोकॉपीज़। 12th का भी आप लोग ओरिजिनल लेके जाओगे उसके साथ ही साथ उसका दो फोटोकॉपीज़ लेके जाओगे। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और गलती यहीं पे करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 10th क्लास 12th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट, इतने समय से जो आप लोग ये देख रहे थे 10th क्लास मार्कशीट ओरिजिनल 12th क्लास मार्कशीट ओरिजिनल, ये मैक्सिमम कैंडिडेट्स के पास होता है लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स को ये लगता है कि वही उसका सब कुछ है जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को समझना होगा कि 10th क्लास सर्टिफिकेट और 12th क्लास सर्टिफिकेट का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो दूसरा होता है, वो बोर्ड होता है उसके वेबसाइट से आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं जो पासिंग सर्टिफिकेट है। इस ये तो आप लोगों को लेके जाना है। अगर इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट करेंगे, इसके बारे में और डिटेल समझाएंगे हम लोग। उसके बाद इफ़ यू आर फ्रॉम CBSE बोर्ड देन योर पासिंग सर्टिफिकेट इज़ द सेम एज द मार्कशीट। अगर आप लोग CBSE कोर्स वाले हो तो आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है और आपका जो मार्कशीट है वो दोनों सेम रहेगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है बट डू नॉट कन्फ्यूज़ द सेम फॉर द क्लास 12 CBSE एज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम CBSE बोर्ड टेंड्स टू थिंक द 12th मार्कशीट एज द पासिंग सर्टिफिकेट इटसेल्फ। अगर CBSE बोर्ड से ही हो आप लोग 12th क्लास वाले हो तो आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट और आपका जो मार्कशीट है वो दोनों अलग अलग रहेगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन। अगर आप लोग ग्रेजुएशन वाले हो तो अपने आप फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट लगाओगे, सेकेंड ईयर का लगाओगे, थर्ड ईयर का भी लगाओगे। सपोज़ आप लोग सेमेस्टर वाले हो तो अपने सभी सेमेस्टर का ओरिजिनल मार्कशीट साथ ही साथ टू फोटोकॉपीज़ भी आप लोगों को कैरी करना है। और इस वीडियो को टाइम से पहले आप लोगों को प्रोवाइड करने का मेन मोटिव ही यही है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिग्री सर्टिफिकेट देने में काफ़ी समय लेते हैं, तो आप लोग जब शॉर्ट लिस्ट होते हो उसके बाद आप लोगों को डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए ये बताता या ये चीज़ आप लोगों को पता चलता तो आपके पास समय बहुत कम होता, क्योंकि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिग्री सर्टिफिकेट देने में काफ़ी लेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये तो डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाओगे
या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। आपके कॉलेज का जो सर्टिफिकेट होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा और आपका जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो कुछ इस प्रकार से इशू करेंगे आपके यूनिवर्सिटी में, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, तो टिकट ओरिजिनल फॉर फ्रेशर। इफ़ यू आर अ फ्रेशर यू नीड टू कैरी यूअर ओरिजिनल टिकट्स एंड क्रेडेंशियल ऑफ यूअर बैंक अकाउंट इन ऑर्डर टू रिसीव अ ट्रैवल अलाउंस। आप लोगों को पता होगा SSB बोर्ड जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उन लोगों को फर्स्ट टाइम SSB इंटरव्यू में जाने का प्लस आने का जो खर्च हुआ रहता है उसको इनटू टू करके प्रोवाइड कर दिया जाता है फॉर ओनली फ्रेशर कैंडिडेट। तो आप लोगों को जितना अपने घर से निकलने के बाद SSB इंटरव्यू में पहुँचते हो उन सब के टिकट को आप लोगों को संभाल के रखना है। उसके बाद आपका जो कॉल अप लेटर होता है उसमें एक अपेंडिक्स होता है, उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें फिल करके अपना जो टिकट है वो अटैच करना रहता है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग क्या ले जा सकते हो, तो वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, पासपोर्ट ले जा सकते हो या पैन कार्ड लेके जा सकते हो या आधार कार्ड लेके जा सकते हो। ध्यान रखना आप लोग उस डॉक्यूमेंट का यूज़ करोगे जो आपका नाम, जिसमें आपका नाम, अपने फादर का नाम, अपना एड्रेस और DOV सभी चीज़ सेम हो, वही जो वैलिड हो वही चीज़ आप लोग वही डॉक्यूमेंट कैरी करेंगे आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है रिस्क सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय पेरेंट गार्जियंस। तो आपका जो कॉल अप लेटर होता है यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है, देयर विल बी एन अपेंडिक्स इन योर कॉल अप लेटर वेयर यू विल हैव टू गेट इट साइंड एंड अटेस्टेड फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ SSBs। तो ध्यान रखना रिस्क सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय पेरेंट गार्जियंस ये आएगा आपके कॉल अप लेटर में। जैसे ही कॉल अप लेटर आता है या शॉर्ट लिस्ट का मेल आता है आप लोगों को तुरंत मैं इन्फॉर्म करूँगा इस चैनल के माध्यम से। फिर देखते हैं नेक्स्ट, तो एड्रेस प्रूफ। इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू कैरी अ वैलिड एड्रेस प्रूफ सच बैंक अकाउंट पासबुक और इलेक्ट्रिसिटी बिल बेसिक एड्रेस प्रूफ। तो आप लोग चाहो तो एड्रेस प्रूफ में ये चीज़ प्रेजेंट कर सकते हो या बेसिक एड्रेस प्रूफ जिसको हम लोग अपना निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं वो भी आप लोग अपना लेके जा सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स। तो आप लोगों को टू इन द कॉल लेटर इज़ द मेंशन टू गेट 20 कलर्ड फोटोज इन द फॉर्मल ड्रेस। ध्यान रखना फॉर्मल ड्रेस का यूज़ करोगे आप लोग चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, और आप लोगों को कम से कम 20 कलर फोटोग्राफ्स लेके जाना है जिसका बैकग्राउंड का कलर होगा वो लाइट कलर होगा, ये इस बात का ध्यान रखोगे। और ये इंस्ट्रक्शन आपकी कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो आपके कॉल अप लेटर में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही कॉल अप लेटर आएगा तो और अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर लूँगा, लेकिन अभी इस वीडियो के माध्यम से जैसे कि आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, इन सब को बनाने में या कैरी करने में थोड़ा सा समय चाहिए रहता है, इसीलिए पहले से अवेयर करा रहा हूँ आप लोगों को। और एक भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो यही बताया कि आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट हो, रिपीटर हो या स्क्रीन आउट हो, आप लोगों को सीधा पहले भगा दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं NCC सर्टिफिकेट। इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर NCC स्पेशल एंट्री देन यू हैव टू गेट योर NCC सर्टिफिकेट एज वेल अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा फोटोकॉपीज ऑफ द सेम। सर्टिफिकेट लेके जाओगे अपना सी सर्टिफिकेट विथ ए ग्रेड या बी ग्रेड के साथ वाला। उसके अलावा आप लोग सपोज कोई स्पेशल कैंप किए हैं जैसे कि RDC परेड, TSC, NIC, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस प्रकार के किसी प्रकार का कोई कैंप किए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाओगे। और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे ये नहीं समझना है कि आप लोग कोई स्पेशल कैंडिडेट हो, उससे रिलेटेड आप लोगों का जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें आपसे एक्सपीरियंस पूछा जा सकता है या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद देखते हैं और, तो NOC सर्टिफिकेट कंडीशन इफ़ एप्लीकेबल। सपोज़ आप लोग जॉब करते हो कहीं पे, गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप लोग सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो आप लोगों को NOC सर्टिफिकेट लेके जाना रहता है। आप लोग अगर नहीं हो ऐसा तो आप लोगों के लिए कंडीशन अप्लाई नहीं होता, ध्यान रखना। उसके बाद वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाई DCGA। तो जो इसके लिए भी एक कंडीशन है, इफ़ यू आर पोस्ट डिमांड फॉर अ पेरियर पायलट लाइसेंस देन यू नीड टू कैरी यूअर पायलट लाइसेंस एज अ प्रूफ एज वेल इफ़ इट्स एप्लीकेबल फॉर यूअर टाइप ऑफ एंट्री। तो हम लोग अभी किसका डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोगों का है NCC स्पेशल एंट्री। तो इस स्कीम में आप लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है, समझो। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस SSB इंटरव्यू अटेंड, आप लोग रिपीटर हो, स्क्रीन आउट वाले हो, तो आप लोग इससे पहले SSB इंटरव्यू दे चुके हो, तो SSB इंटरव्यू जो प्रीवियस जो दिए हो उसका कुछ भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, सपोज़ एडमिट कार्ड है, कॉल अप लेटर लेके रखे हो, जो कुछ भी है डिटेल वो आप लोग लेके जाओगे। और
क्यों लेकर जाओगे? जब आप लोगों ने फॉर्म भरे थे उस समय बताए थे कि आप लोग रिपीटर हो या फ्रेशर कैंडिडेट हो, तो उससे पता चल जाता है। इसलिए आप लोगों को छिपाना नहीं है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को लेके जाना रहता है। उसके बाद देखते हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये किस कंडीशन में मांग रहे थे। इससे पहले जब कोविड आया था तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट यही मांगे थे गेट के पास सबसे पहले, कि आपको दो डोज कंप्लीट हुआ है कि नहीं है वैक्सीनेशन कोरोना वाला, ये मांगते थे। इसके साथ में आपसे कॉलअप लेटर का जो फ्रंट पेज है वो दिखाने के लिए बोलते थे। उसके बाद ही आप लोगों को एंट्री दिया जाता था, उसके बाद बाकी प्रोसेस होता था। लेकिन अभी ये मैंडेटरी नहीं होगा, इस बार इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि हर बार एक दो डॉक्यूमेंट्स रिमूव होते हैं और एक दो डॉक्यूमेंट्स ऐड होते हैं। तो ये आप लोगों को अभी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इस बार मैंडेटरी होगा या नहीं, हम लोग आगे डिस्कशन कर लेंगे आने वाले समय में। उसके बाद देखो यहाँ से पता चल जाएगा, ये स्क्रीनशॉट है कॉलअप लेटर का ही, जब कोविड चल रहा था उस समय आप लोगों से इंस्ट्रक्शन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट, ये मांगते ही थे, ध्यान रखना, लेकिन इस बार नहीं मांगेंगे। उसके बाद है आइटम्स टू बी बॉट, कौन कौन से सामान आप लोगों को लेके जाना है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालूंगा प्लेलिस्ट, जिसमें जब आप लोग फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने से लेकर आपके इंटरव्यू में जाने तक के सारे बीच का प्रोसेस मैं बनाया हूँ, तो आप लोगों को समझना है। तो इसमें भी कौन कौन सी चीज़ें लेके जाना है ये समझ लेना है। इसके साथ ही आज का वीडियो होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और NCCV चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। आप लोगों को NCC से रिलेटेड A to Z कॉन्टेंट NCCV चैनल पर मिलते रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।